नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ। एक दिन जंगल में गधा और बाघ, इन दोनों में कहाँ सुनी हो जाती है। गधा बाघ को ये कहता है कि घास नीली होती है। इस पर बाघ गधे को ये कहता है कि नहीं, घास हरी होती है। गधा फिर से बाघ को कहता है कि नहीं, घास नीली होती है। बाघ फिर से पलट कर बोलता है कि नहीं, घास हरी होती है। दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं कि घास हरी होती है या नीली होती है। तब बाघ ये कहता है कि चलो हम राजा के पास यानी शेर के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि घास हरी होती है या नीली होती है। गधा दौड़ दौड़ कर राजा के पास जाता है और उन्हें कहता है कि राजा जी बताइए, घास हरी होती है या नीली होती है। इस पर राजा यानी शेर पलट कर ये बोलते हैं कि अगर तुम समझते हो कि घास नीली होती है तो हाँ, घास नीली होती है। गधा खुशी से नाचने लगता है, लेकिन साथ ही साथ में गुस्सा भी हो जाता है और राजा को बोलता है कि राजा देखिए, मैंने बाघ को ये कहा था कि घास हरी नहीं नीली होती है, फिर भी वो मेरे से बहस कर रहा था, मेरी बात सुन नहीं रहा था, मैं चाहता हूँ कि आप इन्हें सजा दें। राजा कहते ठीक है, बाघ को सजा जरूर मिलेगी। इस पर राजा बाघ को ये सजा देता है कि वो 3 दिन तक कुछ भी नहीं बोलेगा, मौन व्रत धारण करके रखेगा। जैसे ही राजा बाघ को सजा देता है, वैसे ही गधा नाचने लगता है और जंगल की ओर बढ़ते बढ़ते चिल्लाते चिल्लाते बोलने लगता है खुशी के मारे कि घास नीली होती है, घास नीली होती है, घास नीली होती है। इस पर बाघ नाराज होता है और प्राइवेटली जाकर शेर को ये पूछता है कि आपको पता है कि घास हरी होती है, फिर भी आपने मुझे सजा क्यों दी। इस बात पर शेर राजा बाघ को ये कहते हैं कि तुमको पता है और तुमने देखा है कि घास हरी होती है। बाघ कहता है हाँ, हरी होती है, लेकिन आपने मुझे सजा क्यों दी। इस बात पर शेर बाघ को कहता है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मैंने तुम्हें सजा क्यों दी, तुम्हें सजा इसलिए मिली है कि तुम्हारे जैसा शूर, बलवान और बुद्धिमान प्राणी एक मूर्ख से एक छोटी से बात के लिए उलझ पड़ा, फिर भी तुमने आकर मुझे परेशान किया, बस एक छोटी सी बात के लिए जिसका जवाब तुम्हें पहले से ही पता था। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये थी कि तुमने तुम्हारा कीमती समय ऐसे मूर्ख के लिए बर्बाद किया जो अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए तुमसे उलझ पड़ा। कभी भी इस तरह की मूर्ख चर्चा का हिस्सा कभी मत बनो, क्योंकि तुम चाहे जितना भी उन्हें सबूत दो या विश्वास दिलाओ या सफाई देने की कोशिश करो, वो अपनी बात मना के ही रहेंगे। वो कभी भी उस बात को समझेंगे नहीं, बस तुम्हारे से उस बात पर उलझते रहेंगे। वो हमेशा अपने आप को सही साबित करने के लिए तुमसे झगड़ते रहेंगे, भले ही वो गलत क्यों ना हो। उस समय बुद्धिमान लोगों को इतना ही करना होता है कि जब अज्ञानी लोग चिल्लाते हैं तब बुद्धिमान लोग शांत बैठते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि आपके जीवन में भी इस तरह के लोग आपको मिलेंगे। उस समय उनसे बहस करते समय इस बात का ध्यान रखिए कि वो बहस खत्म होने वाली है कि या फिर वो अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए आपके साथ बहस कर रहे हैं। ऐसे बहस का हिस्सा मत बनी है, बस शांत रहिए या फिर निकल जाइए। तो दोस्तों थैंक यू सो मच। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस कहानी को आपके दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।